हेलो फ्रेंड्स, मैं सिर्फ आशीष जैन। होप कि आपने पुराने सारे वीडियोस देख लिए होंगे। नाउ इन दिस वीडियो आई एम डिस्कसिंग अबाउट हाउ टू क्रिएट नोट्स, हाउ टू मर्ज द नोट्स एंड हाउ टू क्रिएट द नोट्स इन बिटवीन द इंटरसेक्शन ऑफ द बीम। ओके, सो प्लीज स्टार्ट स्टेट प्रोफाइल, न्यू प्रोजेक्ट स्पेस। यू कैन चूज फाइल नेम एज एनीथिंग। So I am choosing episode 7. Next, add beam, finish. Okay, close this window. Start with 0 origin node at 0. Select this node by node cursor and use कॉपी एंड पेस्ट कमांड। ओके, इस बार हम क्या देखने जा रहे हैं, कॉपी एंड पेस्ट कमांड। ठीक है, कॉपी एंड पेस्ट करने के लिए हमने इस नोड को सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी करके कॉपी किया और देन अब हम कर रहे हैं कंट्रोल वी। ठीक है, कंट्रोल वी करने पे क्या होता है, कंट्रोल वी करने पे ये टेबल ओपन होती है। इस टेबल पे आपको ये बताना है कि आपको जो नोड क्रिएट करना है वो कितनी डिस्टेंस पे करना है। यदि आप x इक्वल टू 5 डाल दें तो 5 मीटर x डिस्टेंस पे ले लेगा, यदि आप 5 y इक्वल टू भी 5 डाल दें तो 5x और 5y से होता हुआ जो भी पॉइंट क्रिएट होगा वहां पे एक पॉइंट ले लेगा। यदि आप 5 5 5 पे डालें तो एक्स वाई जेड का जो 5.1 नोड क्रिएट करेगा वहां पे ले लेगा। ठीक है, तो अभी हमारा हम इधर पे क्या करें, हम यहाँ पे एक नोड बनाते हैं सिर्फ एक्स पे 5 मीटर डिस्टेंस पे। ओके, तो ओके किया। मैं कॉपी एंड पेस्ट कमांड इसलिए यूज नहीं करता क्योंकि कॉपी एंड पेस्ट कमांड करने पे टाइम ज्यादा कंज्यूम होता है, इसलिए मैं ट्रांसलेशन रिपीट का यूज करता हूँ ज्यादातर। ठीक है, तो आप भी कोशिश करिए जिसमें आपका टाइम जल्दी हो सके, जिसमें आप टाइम बचा सकें, आप वो कमांड लीजिए और उसका यूज करिए। तो आप ही देखिए कि मेरा एक्स डिस्टेंस पे 5 मीटर डिस्टेंस पे ये नोड क्रिएट हो चुका है। ठीक है, नाउ मैं फ्रंट व्यू पे इसको देखता हूँ। फ्रंट व्यू पे देखने के बाद मैं एक नोड ये दिख रहा है आपको, एक नोड ये दिख रहा है। ठीक है, अब मैं इस नोड दो नोड पे एक बीम क्रिएट करूंगा, तो विद द हेल्प ऑफ एड बीम सिलेक्ट फर्स्ट नोड एंड देन सिलेक्ट सेकेंड नोड। ओके, सो यू हैव क्रिएटेड वन बीम ओवर टू नोड्स, क्लियर। इफ यू वॉन्ट टू सी योर नोड नंबर एंड बीम नंबर देन यू हैव टू क्लिक सिम्बॉल एंड लेबल एंड देन यू हैव टू टेक ऑन नोड नंबर एंड बीम नंबर। ओके, क्लियर। So node 1 is here, node 2 is here and beam 1 is here. Okay? Now अब हमको क्या करना है, अब हमको इस बीम को स्प्लिट करना है डिफरेंट बीम में। यदि हम बीम को डिफरेंट बीम में स्प्लिट करें तो हम क्या करने जा रहे हैं, हम इसके बीच में नोड्स इंसर्ट करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं, यदि अभी ये दो नोड्स हैं और यदि दो नोड्स को बीच में हमको डिफरेंट नोड्स चाहिए है तो हम इसमें नोड्स जैसे ही इंसर्ट करेंगे तो अपने आप ऑटोमेटिकली क्या होगा, बीम स्प्लिट हो जाएगी। ठीक है, उतने पार्ट्स में। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हमको इसको सिलेक्ट करना है, इस बीम को। जैसे ही बीम सिलेक्ट करते तो रेड कलर आ जाता है, रेड कलर आने के बाद में क्या होगा, आपको राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद में यहाँ पे इंसर्ट नोड पे जाना है। कहाँ जाना है, इंसर्ट नोड पे जाना है। इंसर्ट नोड जैसे ही क्लिक करेंगे आप तो आपको ये टेबल ओपन होती हुई दिखाई देगी। इस टेबल पे ये दिखा रहा है बीम नंबर 1 है, ये बीम नंबर 1 है ये। इस पे आप क्या कर रहे हैं, इंसर्ट नोड इनटू बीम नंबर 1। ओके, बीम लेंथ 5 मीटर है, ये दिखा रहा है आपका नोड 1 और नोड 2 आपका सिलेक्टेड है, येलो से आपको यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पे बोल रहा है न्यू इंसर्शन पॉइंट बोल रहा है एट डिस्टेंस। तो आपने यदि सपोज करिए कि ये बीम 5 मीटर की है और 5 मीटर पे आपके बीम के लिए आपको 5 मीटर पे क्या करना है, आपको एक नोड सिलेक्ट करना है 3 मीटर पे बनाना है। ठीक है, तो 3 मीटर पे आपको यदि नोड बनाना है तो आपने डिस्टेंस डाला 3 मीटर और 3 मीटर पे आप जैसे डिस्टेंस डालेंगे तो ये प्रपोर्शन ले लिया 0.6, मतलब क्या हुआ कि 3 डिवाइड बाई 5 कर दिया है तो ये 0.6 मतलब 60% डिस्टेंस पे आप एक नोड क्रिएट करना जा रहा है। ठीक है,
जैसे ही आप ये एंटर करेंगे तो आपको, यदि आप ये वैल्यू एंटर करेंगे तो आपको एड न्यू पॉइंट का यूज करना पड़ेगा। एड न्यू पॉइंट करेंगे तो देखिए क्या होता है, एड न्यू पॉइंट किया तो देखिए यहाँ पे 3 मीटर यहाँ पे आ गया है और यहाँ पे आपको नोड 3 क्रिएट होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्लियर है आपको? ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, दूसरा तरीका ये है, यदि आपको इस दो नोड्स के बीच में, बीचों बीच में मतलब मिड पॉइंट पे यदि आपको नोड बनाना है तो आप डायरेक्टली 2.5 ना लिख के आप यहाँ पे एड मिड पॉइंट कर दीजिएगा। तो एड मिड पॉइंट करेंगे तो 2.5 पे एक नोड क्रिएट होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो थर्ड नोड आपने बनाया यहाँ पे और फोर्थ नोड बनाया आपने यहाँ पे। ठीक है, थर्ड नोड बीचों बीच में अब आपको दिखाई दे रहा है, उसने क्या किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर पे 2.5 मीटर पे जो पहले आएगा उसको थर्ड नोड दिया है और फिर 3 मीटर आएगा इसलिए उसने उसको 4 नोड दिया है। ठीक है, नोड नंबर 4। क्लियर है? तो इस तरीके से दो तरीके आपको समझ में आ गए। यदि आपको डिस्टेंस पता है तो आप डिस्टेंस क्लिक करके यहाँ पे एड न्यू पॉइंट कर दीजिए, और यदि आपको मिड पॉइंट पे बनाना है तो आप मिड पॉइंट पे यहाँ पे बना दीजिए। ठीक है, तीसरा तरीका ये है कि यदि आपको यहाँ पर इस पर्टिकुलर बीम को, ठीक है, इस पर्टिकुलर बीम को यदि आपको 3 इक्वल पार्ट या 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है तो आपको यहाँ पे नंबर ऑफ नोड डिसाइड करेंगे। यदि आप समझ सकते हैं कि 2 नोड से एक बीम बनती है, और यदि आपको 3 बीम बनाना है, अभी हमने नोड्स ले लिया है इसलिए हम 3 बीम नहीं बना पाएंगे, ज्यादा बीम बनेंगी। अभी हम देखते हैं कि नोड्स कितने क्रिएट करें। यदि मान के चलिए मैं यहाँ पे 3 नोड क्रिएट करूँ, ठीक है, 3 नोड क्रिएट करूँ, तो 3 नोड क्रिएट करने के बाद मैं एड एंड पॉइंट करता हूँ, तो एट एंड पॉइंट करने के बाद 3 नोड तो क्रिएट हो चुके हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि 3 नोड क्रिएट करने पे क्या होता है, आपकी बीम कितनी हो जाती है, 4 पार्ट में स्प्लिट हो जाती है। ठीक है, यदि 3 नोड क्रिएट किया तो 3 और 1 2 नोड ऑलरेडी पहले से थे तो 5 नोड हो गए हैं, 5 नोड से बनेंगी 4 बीम। 4 बीम को आप डिवाइड करेंगे इक्वल पार्ट में तो 5/4 होगा, 5/4 करेंगे तो 1.25 पे आपका हर एक नोड क्रिएट होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं 1.25 पे पहला नोड क्रिएट हुआ है, दूसरा पॉइंट 2.5 पे हुआ है, तीसरा पॉइंट 3 मीटर पे हुआ है, चौथा पॉइंट 3.75 पे हुआ है। देखिए हमको 3 नोड क्रिएट करना था लेकिन अभी यहाँ पे 4 नोड क्रिएट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो इसलिए दिखाई दे रहे हैं कि आपका जो 3 नोड इसके बेस पे सिलेक्ट हुआ है वो ये हुआ है, 1.25 पहला नोड क्रिएट हुआ है, दूसरा 2.5 नोड क्रिएट हुआ है और तीसरा 3.75 हुआ है। यदि आप इक्वल डिस्टेंस को देखें तो 1.25 के बाद में 2.5 आता है और फिर 3.75 आता है। क्लियर है? तो ये 3 नोड क्रिएट हुआ है इस n इक्वल टू 3 को पुट करने के बाद में। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि सर मैंने तो एड मिड पॉइंट भी किया था, तो एड मिड पॉइंट कितने पे हुआ था, आप समझ सकते हैं 2.5 पे हुआ था, तो देखिए 2.5 पे ऑलरेडी ये है, चाहे आप इससे सिलेक्ट करके कर लें 2.5 या इससे मिड पॉइंट पे बना लें, बात वही है। ठीक है, ये ओवरराइट नहीं करेगा नोड को क्योंकि हम अभी स्प्लिट कर रहे हैं। ठीक है, और जब हम स्प्लिट करते हैं तो एक ही नोड क्रिएट करेगा यदि वो डिस्टेंस सेम है तो। ठीक है, तो एट मिड पॉइंट पे तीसरा पॉइंट 2.5 मीटर पे हुआ, सॉरी एट मिड पॉइंट पे एक पॉइंट हमने 2.5 पे लिया और जैसे ही हमने 3 नंबर ऑफ नोड्स यहाँ पे 3 डाला तो वो भी 2.5 पे क्रिएट करता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो एक ही नोड को उसने सिलेक्ट किया। अब आप बोलेंगे कि 3 मीटर पे भी हमने डाला था, तो 3 मीटर पे भी डाला था तो ये देखिए 3 मीटर भी है ऑलरेडी, है ना, मतलब 1.25 के हिसाब से तो 3 नोड इक्वल हुए ये, और आपने 3 मीटर पे भी एक नोड चूज किया था तो वो 3 मीटर भी यहाँ पे लिया है। यदि आपको सिर्फ 3 नोड ही क्रिएट करने थे मान के चलिए, तो आप क्या करिए, आप इन सबको रिमूव करिए, एक एक करके रिमूव कर दिया। अब आप नंबर ऑफ नोड्स इक्वल टू 3 यहाँ पे एंटर करिए और 3 एंटर करने के बाद में एड न्यू पॉइंट। देखिए ये जो 3 चीजें हैं, एड न्यू पॉइंट, एड मिड पॉइंट और एड एंड पॉइंट्स, एड जो भी आप क्लिक करेंगे वो यहाँ पे इंसर्ट होते हुए जाएगा। ठीक है, यदि आपने इसको इंसर्ट किया तो यही बस होगा, ये नहीं होगा। यदि यहाँ पे कुछ भी डाला रहे, यहाँ पे कुछ भी हो, ये जब तक आप इसको क्लिक नहीं करेंगे एड न्यू पॉइंट को, तब तक ये यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, तो आप सिर्फ इस बीम के 3 पार्ट करना चाह रहे हैं, मतलब 3 नोड्स और क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो पार्ट होंगे क्रिएट कितने, 4, तो 4 पार्ट क्रिएट होने के बाद में, सॉरी 3 पार्ट क्रिएट होंगे, 3 नोड आपने डाला है तो 3 इक्वल डिवाइड डिस्टेंस पे 1.25, 2.5 और 3.75 पे नोड क्रिएट हुए हैं। इस तरीके से टोटल बीम कितनी बन गई, 4। देख सकते हैं 1 और 3 के बीच में एक बीम बनेगी, 3 और 4 के बीच में एक बीम बनेगी, 4 और 5 के बीच में एक बीम बनेगी और 5 और 2 के बीच में एक बीम बनेगी। ठीक है, तो क्या होता है, नंबर ऑफ एन जितने आप देते हैं, नंबर ऑफ पॉइंट पार्ट्स या नंबर ऑफ नोड्स जितने देते हैं, है ना,
उससे एक ज्यादा बीम क्रिएट होगी, क्योंकि तीन नोड आपने जैसे यहाँ दिया ऑलरेडी, आप इस बीम के अंदर सिलेक्ट करें तो दो नोड ऑलरेडी ये है 1 और 2, तो 3 और 2 5, और 5 नोड को आप क्रिएट करेंगे बीम में तो 4 बीम आपको क्रिएट होते हुए दिखाई देंगी। ठीक है, चलिए तो ये आप समझ गए कि किस तरीके से आपको यहाँ पे नोड क्रिएट करना। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक्स्ट्रा यदि आपको मान के चलिए 3 मीटर भी डिसाइड करना है तो आप यहाँ पे एड न्यू पॉइंट करके 3 मीटर भी आप कर सकते हैं। क्लियर है, ओके कर दीजिए। जैसे ही ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बीम नंबर, बीम कर्सर से देख लीजिए, बीम नंबर 1 ये हो गया, बीम नंबर 2 ये हो गया, बीम नंबर 3 ये हो गया, बीम नंबर 4 ये हो गया। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा है, अभी हमने एक बीम थी जो कि बीम नंबर 1 पे थी ऑलरेडी, है ना, लेकिन अब एक बीम पे हमने क्या किया, नंबर आप जैसे ही नोड्स क्रिएट किए तो बीम स्प्लिट हो गई है डिफरेंट नंबर ऑफ बीम्स में। ओके, क्लियर समझ में आ गया। चलिए अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमारे पास में हमको इस सारी बीमों की जरूरत नहीं है, हमको इस बीम को अब क्या करना, मर्ज करना है एक ही बीम में। ठीक है, तो जिसको भी आप मर्ज करना चाहते हैं उसको आप सिलेक्ट करिए। दूसरा हमारा प्रॉब्लम यही था कि हमको बीम को मर्ज करना है, सपोज करिए कि मैं इन दोनों बीमों को, बीम नंबर 1 और बीम नंबर 2 को मर्ज करता हूं एक ही बीम में। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए, बीम कर्सर से हमको क्या करना पड़ेगा, बीम नंबर 1 सिलेक्ट करना पड़ेगा और कंट्रोल के साथ में बीम नंबर 2 सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ही हम बीम नंबर 1 और 2 सिलेक्ट करेंगे तो हम कहां जाएंगे, ज्योमेट्री पे जाएंगे। ठीक है, ज्योमेट्री पे जाने के बाद में हम यहाँ पे देखेंगे मर्ज सिलेक्टेड मेंबर लिखा होगा, तो ये लिखा है मर्ज सिलेक्टेड मेंबर। ठीक है, मर्ज सिलेक्टेड मेंबर को क्लिक करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये मर्ज सिलेक्टेड मेंबर पे ये क्या बोल रहा है कि ये बीम नंबर 1 लिखा है और ये बीम नंबर 2 लिखा है। ठीक है, बीम नंबर 1 और 2 को क्या करना है, मर्ज करना है। ठीक है, तो कौन सा बीम नंबर देना चाहते हैं वो आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं, बीम नंबर 1 देना चाहते हैं इसको या बीम नंबर 2 देना चाहते हैं। ठीक है, तो हमेशा जो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होता है वो लोएस्ट वाला सिलेक्ट होता है, तो उसको लोएस्ट में रहने दीजिएगा, कुछ मत करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मर्ज कर दीजिए, तो देखिए बीम नंबर 1 और बीम नंबर 2 मर्ज होकर बीम नंबर 1 बना देगा। ठीक है, तो चलिए क्लोज करें, तो देखिए ये बीम नंबर 1 बन गया है। ठीक है, अब सिमिलरली हमको इस बीम का कोई यूज नहीं है, हम चाहते हैं कि इस बीम और इस बीम तीनों को सिलेक्ट कर दें। ठीक है, और तीनों को सिलेक्ट करने के बाद में हम एक ही बीम बनाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, वापस से तीनों को कंट्रोल से सिलेक्ट कर लेंगे, ज्योमेट्री पे जाएंगे और ज्योमेट्री पे जाने के बाद में मर्ज सिलेक्टेड मेंबर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए बीम नंबर 1, बीम नंबर 3 और बीम नंबर 4 मर्ज करने को बोल रहा है, तो आप यहाँ पे मर्ज कर देंगे, तो मर्ज करने के बाद में क्लोज कर दीजिए, तो देखिए ये ऑलरेडी बीम नंबर 1 बन गया है। ठीक है, जो कि हमने स्टार्ट किया था कि दो नोड लेके एक बीम बनाया था और उसको पहले स्प्लिट किया था, और अब हमने क्या किया, स्प्लिट करने के बाद में मर्ज कर दिया। ठीक है, ऐसा करने की क्या जरूरत पड़ रही है हमको, या हम क्यों कर रहे हैं ऐसा, यदि हम सपोज करें कि हम इसको स्प्लिट करते हैं, पहले तो स्प्लिट करते हैं दो पार्ट में, तो मिट कर लें, इधर पे इंसर्ट नोड करके मिट पे कर लें क्लिक और ओके कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए अभी एक बीम ये है और एक बीम ये है, ये हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि सपोज करिए कि हमारे कंस्ट्रक्शन साइट पे हमने कोई फ्लो तैयार कर लिया और हम चाहते हैं कि हम उस जगह पे एक बीम क्या करें, एक कॉलम क्रिएट करें। ठीक है, तो कॉलम क्रिएट करना चाह रहे हैं, एक्स्ट्रा कॉलम क्रिएट करना चाह रहे हैं जो कि कॉलम नंबर 3 होगा। ठीक है, जो भी डिस्टेंस पे आपको बनाना चाहें वो कॉलम नंबर 3 होगा। तो जब भी हम नोड बोलते हैं तो या तो अब आप ये समझ लीजिए कि जब भी नोड की बात की जाएगी तो आप समझ सकते हैं कि वहां पर हम कॉलम बनाना चाह रहे हैं, क्या बनाना चाह रहे हैं, कॉलम बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो कॉलम को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द टू नोड्स इज कॉल्ड 1 बीम। ओके, ऐसा बोल सकते हैं क्या कि अपन ने एक नोड ये है, एक नोड ये है, और ये कॉलम का तो ऑब्वियस सी बात है साइज होगा कोई ना कोई, तो जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होगी उन दो कॉलम के बीच की वो एक बीम है हमारी। ठीक है, तो कॉलम के बीच की डिस्टेंस क्या होगी हमारे पास में, एक बीम होगी। ठीक है, सेंटर टू सेंटर, क्लियर है आपको। तो यदि कहीं जरूरत पड़ती है कि हमारा कोई ज्योमेट्री ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है, यदि हमने कोई मॉडल तैयार कर लिया है और उस मॉडल पे हमको लग रहा है कि यार बीम बहुत ज्यादा लंबी हो रही है, इस बीम के बीच में हमको एक कॉलम खड़ा करना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, वहां पर नोड सिलेक्ट कर लेंगे, और नोड सिलेक्ट करने के बाद में हमको ये समझ में आ जाएगा कि बीम अपने दो पार्ट में टूट चुकी है, मतलब हम उस बीम पे या उस नोड पे हमने क्या किया है, कॉलम तैयार
कर दिया है। क्लियर है? और कभी कभी ऐसा होता है कि यदि मान के चलिए कि एक बीम छोटी हो गई है, एक बीम ये छोटी हो गई है, और दोनों बीमों को हम एक ही कॉलम से यूज कर सकते हैं, मतलब हम वो कॉलम नंबर वन हो सकता है और कॉलम नंबर टू हो सकता है, कॉलम नंबर थ्री की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को क्या करेंगे, मर्ज कर देंगे विद द हेल्प ऑफ मर्ज, है ना, सिलेक्टेड मर्ज मेंबर, है ना। तो ये है इंसर्ट मर्ज सिलेक्टेड मेंबर, यहाँ से मर्ज कर देंगे, तो ये हो गया क्या, अब हमारे पास में एक कॉलम जो एक्स्ट्रा बन रहा था या एक नोड जो एक्स्ट्रा बन रहा था वो हमने रिमूव कर दिया। ठीक है, चलिए अब ये दो क्वेश्चन हमने आज देख लिया है कि एक तो हमने देखा क्या स्प्लिट कैसे करते हैं बीम को, और दूसरा हमने क्या देखा मर्ज कैसे करते हैं बीम को। क्लियर है ना? अब हम चाहते हैं कि यदि मान के चलिए कि एक बीम ये आ रही है, ठीक है, और सपोज करिए कि इसके क्रॉस सेक्शन पे एक और बीम होती है, ठीक है, लेकिन हमने क्या किया, पहले हम बना लेते हैं एक और बीम, ठीक है, बनाने के लिए क्या करें, इसके मिड पे ही बना लेते हैं। चलो तो मिड पे बनाने के लिए क्या करें, इसके लिए 2.5x पे चले जाएं, और 2.5 कहां पे दिखा रहा है, y पे दिखा रहा है, तो y पे चले जाते हैं। ठीक है, तो x ले लिया हमने 2.5 और y ले लिया 2.5, तो देखिए एक नोड ऊपर क्रिएट हो गया, अब एक नोड इस बीम के नीचे क्रिएट करना है तो -2.5 ले लेंगे, तो x हो गया 2.5 प्लस में, और y पे कितना ले लें, -2.5। ठीक है, तो हमने क्या किया, एंटर कर दिया, तो देखिए दो नोड और क्रिएट हो गए। अब दो नोड क्रिएट किया जैसे ही, अब हम इसको बीम से जोड़ देते हैं। ठीक है, तो बीम से जोड़ने के लिए एड बीम पे जाते हैं, एड बीम पे जाने के बाद में 3 और 4 को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब सपोज करिए कि हमारे पास में ऐसी दो बीम बन चुकी हैं जो कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, दिख रहा है आपको, एक बीम ये है जो कि बीम नंबर 1 पे है, और एक बीम ये है जो कि बीम नंबर 2 पे है। ये दोनों ओवरलैप इसलिए दिखा रहा है क्योंकि दोनों के मिड पे ये नंबर शो हो रहे हैं, इसलिए ओवरलैप हो गया 1 और 2। ठीक है, क्लियर है कि नहीं है? यदि आपको अलग अलग देखना है तो आपको 3D व्यू करके आप देख सकते हैं। अच्छा, 3D में भी ये सेंटर पे ही दिखाएगा, कोई बात नहीं, फ्रंट व्यू पे चले जाते हैं। ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चाहते हैं क्या कि दो बीम जब एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, तो हम चाहते हैं कि इसके इंटरसेक्शन पॉइंट पे एक कॉलम तैयार हो जाए। क्या हो जाए, इनके इंटरसेक्शन पॉइंट पे एक कॉलम तैयार हो जाए। क्लियर, यदि हम इस बीम को अलग अलग स्प्लिट करें तो क्या होगा, दिक्कत हो सकती है कि ये बीम दो पार्ट में तो टूट जाएगी। सपोज करो कि मैंने स्प्लिट किया तो ये बीम दो पार्ट में तो टूट जाएगी, लेकिन ये बीम दो पार्ट में नहीं टूटेगी, तो इसको भी बाद में स्प्लिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे ही करेंगे तो क्या होगा, स्प्लिट करने पे यहाँ पे सेम टू सेम पॉइंट पे दो नोड क्रिएट हो जाएंगे। यदि हमने एक बार इसको स्प्लिट किया और एक बार इसको स्प्लिट किया तो क्या होगा, इस पॉइंट पे दो नोड्स क्रिएट हो जाएंगे, तो ओवरलैपिंग नोड्स हो जाएंगे जिसको हमको रिमूव करना पड़ेगा बाद में, है ना। तो इससे अच्छा है कि यदि हमको पता है कि ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं बीम, तो हम क्या करें, इसके इंटरसेक्शन पे एक कॉलम खड़ा कर दें या एक नोड क्रिएट कर दें। तो इसके लिए हमको क्या करना है, हमको दोनों बीमों को सिलेक्ट करना है कंट्रोल की हेल्प से। तो एक बीम ये सिलेक्ट हुई और कंट्रोल दबाया और दूसरी बीम ये सिलेक्ट हुई। ठीक है, आप क्या करें, ज्योमेट्री पे जाएं, ज्योमेट्री पे जाने पे बाद में जाइए, यहां पे इंसर्ट सॉरी इंटरसेक्ट सिलेक्टेड मेंबर, क्या लिखा है, इंटरसेक्ट सिलेक्टेड मेंबर, इस पे जाके आप इसको इंटरसेक्ट कर दीजिए। ठीक है, इंटरसेक्ट करने के बाद में बोल रहा है कि एंटर टॉलरेंस, कोई टॉलरेंस मतलब किसी डिस्टेंस थोड़ा बहुत आगे पीछे करना है क्या, तो हमको कुछ नहीं करना है, हमको इसको सिर्फ ओके करना है। ठीक है, ओके कर दिया इधर पे हमने, जैसे ओके किया तो देखिए ये क्या बोल रहा है, दो न्यू बीम्स क्रिएट होते हुए दिखाई दे रही हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि आप दो बीम के बीच में एक नोड जोड़ेंगे तो एक दोनों बीम क्या होंगी, अलग अलग पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएंगी और चार बीम बनाएंगे। तो यहाँ पे दो न्यू बीम्स क्रिएटेड दिखा रहा है, ओके कर दीजिए। तो देखिए वन बीम अब क्या हो गया, वन बीम ये हो गया, टू सेकेंड बीम ये हो गया, थर्ड बीम ये हो गया, और फोर्थ बीम ये हो गया। क्लियर है कि नहीं है? और ये देखिए एक नोड 5 नंबर ये जो दिख रहा है आपको, ये 5 नंबर इंटरसेक्शन पे बन गया है। ठीक है, क्लियर, आपको समझ में आ गया? तो अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि दो बीम इंटरसेक्ट करनी थी, और इंटरसेक्ट करने पे हमको ऐसा लगता है कि लोड ज्यादा आता है, और लोड ज्यादा आता है तो हमको एक कॉलम प्रोवाइड करना पड़ेगा, और कॉलम प्रोवाइड करने के लिए हमको अपनी ड्राइंग पे क्या करना पड़ेगा, एक नोड इंसर्ट करना पड़ेगा जो कि इंटरसेक्शन पे होगा। और इंटरसेक्शन पे नोड क्रिएट करने के लिए हम कहां जाएंगे, ज्योमेट्री पे जाएंगे, ज्योमेट्री पे जाके इंटरसेक्ट सिलेक्टेड मेंबर पे जाके इंटरसेक्ट करेंगे और वहां पे ओके करेंगे, तो एक नया नोड क्रिएट होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, समझ में आ गया अब आपको? चलिए, तो आज का यही था, इतना ही था।
कि हमारे तीन छोटे छोटे प्रॉब्लम थे। एक पहला प्रॉब्लम था कि हमको स्प्लिट कैसे करना है बीम को, तो बीम को स्प्लिट किया जाता है जब हम इंसर्ट नोड करते हैं, ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम ये था कि हमारे जो इंसर्ट नोड हुए होते हैं एक्स्ट्रा, उसको हम मर्ज कैसे करते हैं, तो हमको मर्ज करना है। और तीसरा प्रॉब्लम ये था कि यदि कोई बीम इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे से, है ना, तो उस इंटरसेक्शन पॉइंट पे हमको क्या करना है, एक कॉलम क्रिएट करना है या एक नोड क्रिएट करना है, तो उसको कैसे क्रिएट करें, ठीक है। तो ये तीन प्रॉब्लम छोटे छोटे प्रॉब्लम थे, आप एक बार इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। जैसे ही प्रैक्टिस हो जाए तो अभी आपको दिक्कत नहीं जाएगी फ्यूचर में कभी, जब आप, अभी हमने सिर्फ एक एक पार्ट बनाना सीख रहे हैं, जब हम इसको इकट्ठा करेंगे तब आपको हो सकता है कि कहीं आपका कोई एडिटिंग में काम आएगा, तो आप यहाँ से एडिटिंग कर सकते हैं, ठीक है। चलो, थैंक यू।